मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है, जिस पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर करना यह राज्य सरकार अधिकार है, ऐसी जानकारी देवेंद्र फडणवीस इन्होंने पत्रकारों से बात करते समय कही। देखिए, जो मराठा आरक्षण के ऊपर केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल की है, उसमें 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये किसी कम्युनिटी को बैकवर्ड घोषित करने के अधिकार ये केंद्र के पास है या राज्य के पास है, ऐसा जब प्रश्न निर्माण हुआ तो केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य के अधिकार राज्य के पास ही है, किंतु जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बेंच में एक डिवीजन हुआ, 3 जजेस एक साइड और 2 जजेस एक साइड, और 3 जजेस ने यह कहा कि ये जो अधिकार है ये केंद्र सरकार के है, और इसलिए केंद्र ने जो अपनी कंसिस्टेंट भूमिका रखी है कि राज्य सरकार के अधिकार है, इसके चलते केंद्र सरकार ने 102वें अमेंडमेंट के ऊपर घटना दुरुस्ती के ऊपर एक याचिका दाखिल की है, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी भूमिका ये संविधान संशोधन करते हुए भी यही थी कि राज्य के अधिकार है, और इसलिए हम आपके पास ये रिविजन में आ रहे हैं। और जहाँ तक 50% से ऊपर का सवाल है तो ये विषय राज्य का विषय, क्योंकि राज्य के कानून को निरस्त किया गया है, तो राज्य सरकार को इसके संदर्भ में रिवीजन पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी, इसमें केंद्र सरकार रिवीजन पिटीशन दाखिल नहीं कर सकती।